लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कल नवी मुंबई में हम लोग कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या 3 डिजिट से 2 डिजिट पे आ गए, यानी 94 के करीब आ गए। महाराष्ट्र में नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहली सिटी है, पहली कॉरपोरेशन है जिन्होंने ये अचीव किया हुआ है। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र मॉडल वगैरह सब की चर्चा चल रही थी। सरकार में जो नेतागण है वो अपनी पीठ थपथपा रहे थे, कोई केंद्र को एडवाइस कर रहा था कि महाराष्ट्र मॉडल इंडिया में लागू किया जाए। मैं कहता हूँ महाराष्ट्र मॉडल नाम का कोई मॉडल एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। मॉडल अगर देखना है या मॉड्यूल देखना है तो नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से फरवरी 16 तारीख से जो राइज शुरू हो गया कोरोना का, वो राइज अप्रैल 4 को पीक पे था, यानी 88 पे चालू हो गया था पर डे पेशेंट्स, वो 1441 पेशेंट 4 अप्रैल को हमारे पास थे और कल 94 पे आ गए। अब ये राइज और फॉल, इसके लिए क्या क्या नवी मुंबई में उपलब्धियां हो गई कि जिसके वजह से ये कंट्रोल हुआ, इसको कहते हैं मॉड्यूल, वो मॉडल नहीं है। अब वो कैसे हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। 2-3 फैक्टर्स यहाँ पे है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो रहते हैं, हमारे यहाँ म्यूनिसिपल कमिश्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उन्होंने किया हुआ काम, उनको कवर फायर दिया जाता है। यानी जब एक सैनिक जो है जब लड़ते रहता है तब सामने से शत्रुओं का पास से उनको कोई तकलीफ ना हो करके उसके बैक साइड से उनके जो साथीदार सैनिक होते हैं वो उनके ऊपर फायर करते रहते हैं सामने वालों के ऊपर, ताकि हमारा जो सैनिक है वो सीधा लड़ते हुए आगे चला जाए और अपना काम फतेह कर ले। उस तरीके से यहाँ पे अभिजीत बांगर साहब सोल्जर का काम कर रहे थे और कवरिंग फायरिंग दे रहे थे हमारे यहाँ के MLA मंदाताई मात्रे, आदरणीय गणेश नाइक जी, ये कवरिंग फायरिंग दे रहे थे। ये मॉडल था ताकि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस ये हैंड इन हैंड मिलके काम कर रहे थे, बाकी के पक्ष के लोग भी साथ दे रहे थे, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन नवी मुंबई के बाहर से जो स्टेट गवर्नमेंट से अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाएं कभी भी पूरी हुई नहीं और होने की कोई संभावना मुझे आने वाले वक्त में दिखती भी नहीं है। तो हमारे यहाँ के दोनों MLA और हमारे यहाँ के कमिश्नर, ये तीनों ने हैंड टू हैंड मिलके ये काम किया हुआ है, जिसका ये अचीवमेंट है। और उनको अगर साथ किसी ने दिया हुआ है तो मैं धन्यवाद देता हूँ नवी मुंबई के हर एक नागरिक का। उन्होंने नवी मुंबई को एक डिसिप्लिन सिटीजन का परिचय दिया जो महाराष्ट्र ने भी देखना चाहिए। क्या हमारे यहाँ किसी को मारा गया, किसी को पनिशमेंट दिया गया? नहीं, हार्डली कोई केसेस हो गए वैसे, लेकिन मेजर सारे रिलैक्स थे और अपना अपना काम चल रहा था। जो टाइम स्लॉट दिया हुआ था वो टाइम पे सब चल रहा था। अब इसका दूसरा पार्ट आ गया कि किस तरीके से ये प्रभावित करके हमने स्टॉप किया, तो इसके लिए एक ही थी माइक्रो कंटेनमेंट क्लस्टर करके जो योजनाएं हैं वो हमने हमारे यहाँ पे लागू किया। अब माइक्रो कंटेनमेंट क्लस्टर क्या होता है, तो हमने नवी मुंबई पूरा का पूरा फ्री करने के लिए लिया नहीं, हमने क्या किया, नवी मुंबई में हर एक सेक्टर का स्टडी किया, जो हर दिन रिपोर्ट आ जाता है, नोड का रिपोर्ट आ जाता है, वो स्टडी करके जहाँ से कोरोना पेशेंट्स की उत्पत्ति हो रही है वो जगह हमने आइडेंटिफाई की। अभी एग्जाम्पल अगर देना है तो नेरुल में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेक्टर 13 में कॉलोनी है। अब पूरा सेक्टर 13 कोई लॉकडाउन या रेड जोन या कंटेनमेंट जोन करने की जरूरत नहीं थी, वहाँ पे एक बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग के अंदर से पेशेंट आए हुए थे। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया, वो सिर्फ बिल्डिंग सील कर दी और वहाँ पे 100% RT-PCR टेस्ट वगैरह करा दिया। इसी तरीके से नेहरू और बेलापुर, ये दो नोड थे जहाँ से ज़्यादा पेशेंट जनरेट हो रहे थे, वहाँ पर फोकस किया गया और जब वहां से ड्रॉप शुरू हो गया पेशेंट्स का, तब जाके नवी मुंबई में कोरोना अरेस्ट शुरू हो गया। दूसरा उसका भाग ये हो जाता है कि लोगों का मोबिलाइजेशन, आइडेंटिफाई करना,
उनको मोबिलाइज करना, या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको लेके जाना पेशेंट्स को, या तो एनएमएमसी के फैसिलिटी दिया हुआ अपने सेंटर्स के ऊपर लेके जाना। इसके शुरुआत में उसका लोड काफ़ी आ गया था, पब्लिक में थोड़ी पैनिकी थी, लेकिन एक्सपर्ट्स के हेल्प लेते हुए हमने ये सारा कंट्रोल कर लिया। और इसके लिए मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हर एक अधिकारी का, हर एक डॉक्टर का, हर एक मेडिकल प्रोफेशनल का, नर्स का, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी का भी दिल से धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट था शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, रेमडेसिविर जैसे काफ़ी सारी चीज़ें शॉर्टेज हो गई थी। नवी मुंबई में भी शॉर्टेज का हमको भुगतान करना पड़ा, लेकिन वो लेवल पे नहीं हो गया जो हम लोग मीडिया में सुन रहे थे। और कुछ ना कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर एक आध दो घटनाएं घटी, मैं नहीं कहूँ, ये नहीं कहूँगा कि 100% था, लेकिन जो परसेंटेज बाहर हमको सुनने को आ रहा था, जो हम लोग मीडिया में देख रहे थे, उसका 1 या 2% से ज़्यादा नवी मुंबई में पैनिकी हुआ नहीं, क्योंकि हर एक जगह पे मेडिसिन अवेलेबल हो गया। उसके लिए भी मैं मिस्टर बांगर साहब को धन्यवाद देता हूँ। तीसरा हम लोग ने फोकस किया हुआ है वैक्सीनेशन के ऊपर। वैक्सीनेशन में हमारा लिमिटेशंस ये है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास जो डोसेस आते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, उसमें हमको काम चलाना पड़ता है। लेकिन हमने फर्स्ट डोज 3.5 लाख के करीब लोगों को दिया गया है। टारगेट ये है नवंबर दिसंबर तक पूरा नवी मुंबई का हर एक सिटीजन का जो एलिजिबल है 18 साल के ऊपर के, ऐसे 10-10.5 लाख के करीब सिटीजन होंगे, उनका वैक्सीनेशन करके ले लेना है। और वो क्लोजली मॉनिटर पार्टी के आदमी, हर एक पक्ष के आदमी अपने अपने वार्ड के स्तर के ऊपर कर रहे हैं कि जो सपोर्टिव हमारे यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी हो रहा है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी भी उसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर काम कर रहा है लोगों के बीच में, ये स्ट्रक्चर लोक प्रतिनिधि और एडमिनिस्ट्रेटर ये हैंड टू हैंड करके चल रहे हैं। ना कोई क्रेडिट के होड़ में लगा हुआ है, ना कोई किसी के ऊपर एलिगेशन कर रहा है। और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि हर एक कार्यकर्ता कोई राजनीति बिना किए अपना काम कर रहा है। और मैं अपने दोनों नेताओं को सलाम करता हूँ कि उन्होंने पिछले 1.25 साल से एक भी स्टेटमेंट, पॉलिटिकल जिसको कहा जाए, ऐसे कभी बात की नहीं। सही वक्त के ऊपर हर चीज़ दुनिया के सामने रखी जाएगी, लेकिन फिलहाल ये वक्त नहीं है। हमको पूरा का पूरा जीरो पे कोरोना को लेके आना है, उसका टारगेट जून है। और दिसंबर तक 100% अगर हमने वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया लोगों के सहकार्य से, नागरिकों के सहकार्य से, तो थर्ड वेव से हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ मीडिया को इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा निगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस ना करके कोरोना रिलेटेड जो पॉजिटिव है, जिसके अंदर फैसिलिटीज़ लोगों को उपलब्ध की गई है, तो उनकी अगर जानकारी सही ढंग से लोगों तक अगर पहुँचाए, तो लोगों में जो संभ्रम हो गया है, मीडिया के आज कोई भी चैनल देख लो, हर एक जगह कोरोना के अपने अपने रिपोर्ट्स आते रहते, उसमें ऑथेंटिसिटी कितना होती है क्या नहीं, लेकिन लोगों में संभ्रम होता है। तो नवी मुंबई ये एक मॉड्यूल है, और मैं सीना ठोक के कहता हूँ, महाराष्ट्र सरकार को भी कहता हूँ कि नवी मुंबई मॉड्यूल को स्टडी करके वो आइडियल मॉड्यूल रख के महाराष्ट्र में नहीं, भारत में लागू किया जाए।